नेक्स्ट वन मोर अबाउट कंसोल ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज। जनरली कंसोल ऑपरेशन की केस में बात करें, वन साइड ऑलवेज फिक्स है, वन साइड यूज किया करेंगे ऑलवेज सी प्रोग्राम्स एंड अदर साइड मे बी कीबोर्ड, कंसोल इनपुट डिवाइस मे बी कीबोर्ड और मे बी कंसोल आउटपुट डिवाइस मॉनिटर्स। जनरली थ्री टाइप के डिवाइस यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वन सम सी प्रोग्राम एज वी नो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी रिसाइड्स इनसाइड रैम मेमोरी। मीन्स जब भी किसी भी टाइप के सी प्रोग्राम्स को किसी भी सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम किस प्लेस पर एग्जिस्ट करेगा? इनसाइड रैम मेमोरी। मीन्स सम सी प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दिस इज सी प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, लेकिन जब सी प्रोग्राम के लिए अगर आप कोई भी इनपुट्स प्रोवाइड करो, इनपुट्स किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे? बाय यूजिंग कीबोर्ड। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम अदर डिवाइस कीबोर्ड एंड मॉनिटर। सिमिलरली अगर आपको कोई डेटा सेंड करना तो सेंड करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ? मॉनिटर। फाइनली इसके इसमें डिवाइस कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? थ्री फिजिकल डिवाइसेस। प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम किस प्लेस पर रिसाइड कर रहा है? इनसाइड रैम मेमोरी। इस प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ रैम मेमोरी। प्रोग्राम से जब भी कोई डेटा सेंड होगा या आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, आउटपुट किस प्लेस पर डिस्प्ले होगा? ऑन द मॉनिटर। ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर इज नथिंग बट इट इज कंसोल आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज कंसोल आउटपुट डिवाइस। देन कीबोर्ड। कीबोर्ड के रिस्पेक्ट में बात करें, कीबोर्ड का टाइप क्या है? कीबोर्ड इज कंसोल इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज कंसोल इनपुट डिवाइस। इस फाइनली इसके इसमें कम्युनिकेशन कितने डिवाइसेस के बीच में परफॉर्म हो रहा है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम विल बी रिसाइड्स इन रैम मेमोरी। सेम एज अगर आप प्रोग्राम्स के थ्रू किसी भी टाइप के आउटपुट डिस्प्ले करा रहे हैं बाय यूजिंग सम प्रिंटफ फंक्शन और अदर आउटपुट फंक्शन, सारे के सारे मैसेज कहाँ प्रिंट होंगे? ऑन द मॉनिटर। सेम एज अगर प्रोग्राम के लिए कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी डेटा रीड कर रहे हैं, डेटा किस प्लेस रीड करेंगे? फ्रॉम अ कंसोल इनपुट डिवाइस, नथिंग बट कीबोर्ड। तो टोटल इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कितने टाइप्स के डिवाइस हो रहे हैं? प्रोग्राम मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से रैम, मॉनिटर, कीबोर्ड, थ्री टाइप्स ऑफ डिवाइसेज। बोथ आर फिजिकल डिवाइसेज। अगर थ्री फिजिकल डिवाइस है, किसी भी डिफरेंट फिजिकल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, देन कम्युनिकेशन अलाउ करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ? सम लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन दीज डिवाइसेज। मीन्स बिफोर परफॉर्मिंग एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वी मस्ट हैव सम लॉजिकल कनेक्शंस। जब तक इन डिवाइसेस के बीच में कोई भी लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ, तब तक किसी भी टाइप का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। है लॉजिकल कनेक्शन नो वे रिलेटेड टू एनी वायर्ड कनेक्शन और फिजिकल कनेक्शंस। मीन्स यहाँ मैं वायरिंग की बात नहीं कर रहा, लाइक अ नेटवर्किंग, देयर इज नो वे रिलेटेड टू फिजिकल कनेक्शंस और वायर्ड कनेक्शन। इट इज सिंपली लॉजिकल कनेक्शन। व्हाट इज लॉजिकल कनेक्शन? लॉजिकल कनेक्शन इज नथिंग बट it is simply temporary memory inside RAM। because प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम इनिशियली किस प्लेस पर एग्जिस्ट करा? इनसाइड रैम। एज वी नो रैम इज अ फिजिकल डिवाइस। रैम के केस में प्रोग्राम लॉजिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब प्रोग्राम रैम मेमोरी का पार्ट है। अब प्रोग्राम के थ्रू डेटा ओनली रैम मेमोरी से रीड करना पॉसिबल, ओनली रैम मेमोरी के अंदर राइट करना पॉसिबल होगा। ओनली इनसाइड रैम और ओनली इनसाइड प्रोग्राम के थ्रू अगर आप कोई डेटा सेंड करोगे और डेटा राइट करो तो डेटा राइट भी किस पे? प्रोग्राम के थ्रू डेटा किस प्लेस पर राइट होगा? ओनली इनसाइड रैम मेमोरी। सिमिलरली अगर प्रोग्राम के थ्रू किसी भी टाइप पर डेटा राइट कर तो डेटा राइट भी किसमें? ओनली इनसाइड रैम। प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्टली कभी भी कोई भी मैसेज डायरेक्टली मॉनिटर के लिए राइट करना पॉसिबल नहीं। सेम एज प्रोग्राम के लिए कोई भी इनपुट कैरेक्टर डायरेक्टली कीबोर्ड से रीड करना पॉसिबल नहीं हुआ। हाउ टू अलाउ दिस ऑपरेशन, इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर प्रोग्राम से कोई भी डेटा राइट हो रहा तो राइट भी कहाँ हुआ? इनसाइड रैम, और रीड भी किस प्लेस से? ओनली फ्रॉम अ रैम। रैम से डेटा रीड करने के लिए राइट करने के लिए। लेकिन जनरली इस केस में बात करें, रियल में आप इंटरेस्टेड किस केस में हो? रीडिंग डेटा फ्रॉम अ रैम और रीडिंग डेटा फ्रॉम अ कीबोर्ड। कीबोर्ड और प्रोग्राम से डायरेक्टली इंटरेक्शन पॉसिबल, इसलिए इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड क्या है, वो सम लॉजिकल कनेक्शन। व्हाट इज मीन बाय दिस लॉजिकल कनेक्शन? लॉजिकल कनेक्शन इज नथिंग बट इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी इनसाइड रैम। जनरली वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स भी क्या है, वेरिएबल्स इज ऑल्सो टेम्परेरी मेमोरी इनसाइड रैम। रैम के केस में जनरली टू टाइप से टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट करना पॉसिबल है, या तो वेरिएबल्स के फॉर्म में मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा या फिर बफर्स के फॉर्म में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स और इन द फॉर्म ऑफ बफर। बोथ आर पार्ट ऑफ रैम मेमोरी, मीन्स वेरिएबल्स ही रैम के ही अंदर क्रिएट होंगे, बफर भी कहाँ क्रिएट होंगे, ऑल्सो इनसाइड रैम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, मे बी 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट, देन बेटर अप्रोच क्या रहेगा, गो फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर नेम्ड लोकेशंस और लॉजिकल लोकेशन नेम इनसाइड रैम मेमोरी, वी आर डिस्कसिंग ऑलरेडी। वेरिएबल्स के केस में मेमोरी एलोकेशन किस फॉर्म होगा, बाइट्स के फॉर्म में, मीन्स आइदर 1 बाइट्स और 2 बाइट्स और 4 बाइट्स और 8 बाइट्स लाइक दैट। अगर आपको लिमिटेड बाइट्स रिक्वायर्ड देन एलोकेशन वेरिएबल्स के फॉर्म में परफॉर्म कराएं। सिमिलरली अगर मुझे 1000 नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड और 100 नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड है, देन बेटर आइडिया क्या रहेगा, बफर। बफर के केस में मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म द ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ किलो बाइट्स और केबी। अगर बाइट्स के फॉर्म में स्पेस रिक्वायर्ड देन एलोकेशन किस फॉर्म में यूज करेंगे, वेरिएबल्स के फॉर्म में। अगर किलो बाइट्स के फॉर्म में डेटा रिक्वायर्ड देन यूज क्या करेंगे, बफर्स। बफर और वेरिएबल्स दोनों क्या है, बोथ आर टेम्परेरी लोकेशंस इनसाइड रैम। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वेरिएबल्स के अंदर डेटा ओनली लिमिटेड अमाउंट में स्टोर करना पॉसिबल, जबकि बफर के अंदर डेटा किलोबाइट्स के फॉर्म में स्टोर करना पॉसिबल है। वेरिएबल का साइज क्या होता है, लाइक 1 बाइट 2 बाइट और 4 बाइट और 8 बाइट। सिमिलरली किसी भी बफर का साइज क्या हो, मे बी 1 KB 8 KB 16 KB और 32 KB और एंड सो ऑन, डिपेंड्स अप टू यू। अगर 1 किलोबाइट की बात करें, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स लाइक दैट। तो जब भी आप कीबोर्ड से डेटा रीड करोगे तो कीबोर्ड से हो सकता है आपको 1000 नंबर ऑफ बाइट्स या 1000 नंबर ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड है, 1000 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। चाहे मैं मॉनिटर के लिए अगर आप कोई मैसेज स्पीकर हो सकता है 1000 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पॉसिबल हो। तो इस केस में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड क्या, सम टेम्परेरी मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बफर्स। दिस बफर इज नथिंग बट कंसीडर्ड एज लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। मीन्स इस प्रोग्राम के केस में जनरली परफॉर्म किया। और सबसे पहले अगर आपको सपोज दैट कीबोर्ड से डेटा रीड करना, तो कीबोर्ड से जब डेटा रीड हुआ तो डेटा सबसे पहले स्टोर कहाँ हुआ, इनसाइड बफर। देन प्रोग्राम भी डेटा किस प्लेस रीड करेगा, फ्रॉम दैट बफर। कीबोर्ड से जब भी आप कोई बाइट्स एंटर करो तो इनिशियली बाइट्स कहाँ साइड हो, इनसाइड बफर। सेम एज प्रोग्राम डेटा बफर कीबोर्ड से रीड करेगा, बफर से डायरेक्टली बफर, इनडायरेक्टली कीबोर्ड। इनसे फिजिकली आपको कोई विजिबल नहीं हुआ। सेम एज मॉनिटर के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हो तो मैसेज सबसे पहले कहाँ सेंड हुआ, इनसाइड सम बफर। सबसे पहले स्टोर्ड मैसेज कहाँ सेंड करें, बफर के लिए। देन बफर के थ्रू मैसेज किसके लिए सेंड हो जाए, फाइनली मॉनिटर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग कंटेंट्स एंटर्ड बाय कीबोर्ड इनसाइड बफर। मींस अगर आप कीबोर्ड से कोई इनपुट एंटर करें, इनपुट बफर में स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिंपली DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सेम एज बफर से मॉनिटर के लिए डेटा राइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्लियर? डिफरेंट मीन्स प्रोग्राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओनली डेटा को बफर में राइट करना है, डेटा को बफर से रीड करना। जब डेटा बफर में राइट होगा देन इस ऑपरेशन को नेम दोगे आउटपुट ऑपरेशन। सेम एज जब डेटा बफर से रीड होगा देन इस ऑपरेशन का नेम क्या हुआ, इनपुट ऑपरेशंस। क्लियर? जिस टाइप से वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में मेमोरी का कोई लॉजिकल नेम क्रिएट होता है, सिमिलरली बफर्स के लिए बफर को भी एक्सेस करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड किया हुआ सम लॉजिकल नेम्स। इन केस ऑफ कंसोल डिवाइसेस, कंसोल डिवाइस के केस में बफर्स क्रिएट करने के लिए कभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ। सी प्रोग्राम बेसिक कंसोल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बाय डिफॉल्ट आपको 3 लॉजिकल कनेक्शंस प्रोवाइड करता है। दीज 3 लॉजिकल कनेक्शन नथिंग बट इट इज अ टेम्परेरी बफर बिटवीन इनपुट आउटपुट कंसोल डिवाइसेस एंड प्रोग्राम। फाइनली इस केस में बात करें रिक्वायर्ड क्या है, सम बफर्स। सपोज दैट वी आर हैविंग सम मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बफर्स लाइक दैट। इनिशियली बफर्स किस फॉर्म में, किलोबाइट्स के फॉर्म में, बफर 1 बफर 2 बफर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से मल्टीपल बफर्स पॉसिबल होंगे। फाइनली जब ये डेटा आपको सेंड करना तो सबसे पहले मीन्स ऑपरेशंस किसके थ्रू, प्रोग्राम का कनेक्शन किससे हुआ, बफर से। बफर अदर साइड किससे कनेक्टेड होंगे, मे बी मॉनिटर और मे बी कीबोर्ड। किसी मॉनिटर और कीबोर्ड के केस में या कंसोल डिवाइस के केस में प्रोग्राम के लिए एक से ज़्यादा बफर्स एलोकेट करना पॉसिबल है, लेकिन बफर को एक्सेस करने के रिस्पेक्ट में यूज़ किया करें सम नेम ऑफ द बफर, प्रोवाइड किया और सम नेम। तो फाइनली किसी भी टाइप के बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इनिशियली सी लैंग्वेज 3 लॉजिकल कनेक्शन बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है। दिस इज लॉजिकल कनेक्शन नथिंग बट कंसीडर्ड एज एसटीडी इन, एसटीडी आउट, एसटीडी ईआरआर कनेक्शन। बफर मीन्स सिंपली टेम्परेरी मेमोरी। फिर से मैं बोला हूँ, इन दैट केस प्रोग्राम के थ्रू डेटा कभी डायरेक्टली मॉनिटर के लिए सेंड नहीं होगा, सबसे पहले बफर में सेंड राइट होगा देन मॉनिटर के लिए। फाइनली इनपुट आउटपुट और कंसोल ऑपरेशन परफॉर्म करने के रिस्पेक्ट में इनिशियली क्या रिक्वायर्ड होगा, सम लॉजिकल कनेक्शन। वी आर डिस्कसिंग जस्ट अबाउट लॉजिकल कनेक्शन। लॉजिकल कनेक्शन किसको बोले, लॉजिकल कनेक्शन नथिंग बट इट इज अ टेम्परेरी लोकेशंस इनसाइड रैम मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बफर्स which will provides read write operation between program and target device। मीन्स बफर्स क्या हैं, टेम्परेरी लोकेशन विच प्लेस इनसाइड रैम मेमोरी और इट इज अ पार्ट ऑफ रैम मेमोरी। प्रोग्राम के थ्रू डेटा राइट भी किस में हुआ, बफर में, और रीड भी किस प्लेस होगा, फ्रॉम अ बफर। प्लस इन टेम्परेरी बफर्स को नेम दोगे आप एज अ लॉजिकल कनेक्शन। दिस बफर इज कंसिडर्ड logical connection between two devices. Clear? One more thing.